अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा से 1240 लोगों को मुमरा पुलिस ने भेजा उनके घर। आपको बता दे, पिछले कई दिनों से मुमरा और आसपास के इलाके से लोग यूपी, एमपी, राजस्थान और बिहार जा रहे हैं। दो दिन पहले ही सिलदायगर पुलिस ने लगभग 1400 लोगों को बिहार और उत्तर प्रदेश भेजा था। उसके बाद आज मुमरा पुलिस की मदद से 1352 लोगों को मुमरा जैन मंदिर मैदान से बस के जरिए ठाणे रेलवे स्टेशन ले जाया गया, जहां से इन सब को इनके राज्य बिहार जाने वाली ट्रेन में बिठाया गया। हम आपको सिलदायगर पुलिस और मुमरा जैन मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैसे इन्हें यहां से बस के जरिए ठाणे रेलवे स्टेशन ले जाया जा रहा है। वहीं मुमरा के सीनियर पीआई ने क्या जानकारी दी है, आप सुनिए। आज कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं? मैडम, यहाँ से 1200 लोग अभी जा रहे हैं बिहार के लिए। पटना थाना स्टेशन से पटना के लिए ट्रेन है अभी 2300, मतलब 11 बजे की, रात में 11 बजे ट्रेन है। मुमरा पुलिस स्टेशन और मुमरा के यहाँ रहने वाले हमारे जो भाई बहन है, जो अपने गाँव जाना चाहते, जो यहाँ अटके हुए थे, उनको हम लोग यहाँ से अभी बस में बिठा के स्टेशन पे छोड़ रहे हैं और वहाँ से वो लोग अभी ट्रेन से जाने वाले हैं। मुमरा जैन मंदिर परिसर में इनकी पूरी जानकारी लेकर लिस्ट बनाई गई। उसके बाद इन सभी लोगों को ठाणे रेलवे स्टेशन ले जाकर स्टेशन में दाखिल होने से पहले इनको टिकट दिए गए, फिर इन्हें अंदर भेजा गया। इस मौके पर सिलदायगर पुलिस कर्मी मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई कन्हैया थोरात के साथ कलवा मुमरा डिवीजन के एसीपी घोसालकर मौजूद रहे। कलवा मुमरा डिवीजन के एसीपी घोसालकर ने जानकारी दी है कि इस ट्रेन से मुमरा दीवा से 1242, कलवा से 60 और सिलदायगर परिसर से 50 लोगों को भेजा जा रहा है। लोग घबराए नहीं, जो अपने घर जाना चाहते हैं वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें, उनके गांव भेजने में हर तरीके से मदद की जाएगी। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।